नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है, आज मैं आपके सामने तीन उपाय रखने वाला हूँ। अगर आपके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है या आपकी शादी में कोई विघ्न आ रहे हैं, तो भगवान शंकर भगवान की कृपा से मुझे लग रहा है आपकी शादी के सारे बाधा जरूर दूर हो जाएगी। ये उपाय पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भाव से करेंगे, आपकी शादी में जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जरूर दूर होगी। पहला उपाय यह है कि आपको शिवरात्रि के दिन ये उपाय की शुरुआत करनी है। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक चांदी का बर्तन अगर आपके पास है तो वो आपको शिव मंदिर ले जाना है। साथ ही अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो तांबे या पीतल का बर्तन आप जरूर ले जाइए, उसमें जल भर लीजिए। साथ ही आपको 27 गुलाब के पुष्प ले जाने हैं और 27 आपको बेलपत्र ले जाने हैं। और आपको ये 27 जो पुष्प आप गुलाब के ले गए हैं, भगवान शिव के ऊपर आपको आपको चढ़ा देना है। और जो बेलपत्र ले गए हैं, उस बेलपत्र में 27 बेलपत्र है, वो सारे बेलपत्र में आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको चंदन से लिख देना है। अब आपको वहाँ ही बैठ के एक एक बेलपत्र अपने हाथों से या पंडित जी को कह के आपको चढ़ा देना है। और वहाँ ही बैठ के आपको ओम नमः शिवाय की दो माला करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरी शादी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वह आपकी कृपा से जरूर दूर हो जाए। ऐसी भाव से आप प्रार्थना करेंगे। भगवान बड़े भोलेनाथ है, आप जिस भाव से पूजा करेंगे भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। साथ ही दूसरा उपाय आपके सामने रखूं, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, हमारे जीवन की जो भी समस्या है उसका हमें उपाय जानना है। तो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको ज्योतिष का उपाय दिया जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें। बहुत से लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं, समय देखते नहीं और अपनी मर्जी से कॉल लगाते थे, वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। वीडियो सुनिए फिर कॉल लगाइए। साथ ही ऑनलाइन आपको कुंडली दिखानी है तो उसमें आपका पूर्ण नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल का नाम आप भेज देंगे। आपको जो भी सुनिश्चित दक्षिणा है पहले भेजनी होगी, फिर आपकी कुंडली आपको समय दिया जाएगा, देखी जाएगी और आपको शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए जाएंगे। बहुत से लोगों का हमें कॉल आता है कि पंडित जी, आपने जो उपाय दिखाए हैं उनसे हमारी शादी हो गई है, आपने जो हमें उपाय बताए हैं उनसे हमारे जीवन की जो बड़ी एक समस्या थी, नौकरी की जॉब थी, आज हमें मिल गई है, प्रमोशन हमें मिल गया है। ऐसे बहुत से लोगों के हमें बाद में कॉल आते हैं। हम यहाँ शास्त्रोक्त तो आपकी कुंडली देख के सरल उपाय भी दिखाएंगे और शास्त्रोक्त उपाय आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अब दूसरे उपाय की बात करूं, ये उपाय आप भी कर सकते हैं और किसी भी विद्वत जो पंडित जी है उसके पास आप करा सकते हैं। आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध घी लेना है, शंकर भगवान के ऊपर आपको घी से अभिषेक कराना है। पंडित जी के पास संकल्प के माध्यम से कि मेरी शादी नहीं हो रही है, उसी माध्यम से संकल्प करके अभिषेक कराएंगे। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी में आने वाली सारी दिक्कतें जरूर दूर होगी। साथ ही दोस्तों,
केवल ये उपाय शिवरात्रि के दिन आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप महीने के मास की जो भी शिवरात्रि आती है उसी दिन भी ये कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा उपाय है आपके सामने में रखने वाला हूँ, वो बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपकी जितनी एज है, किसी की 25 साल है, किसी की 27 साल है, तो उसी अनुसार आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? तो आपको शिव भगवान के मंदिर जाना है और अपने एज के अनुसार उतने बेल पत्र ले जाने हैं, उतने ही जो पुष्प है गुलाब के वो ले जाने हैं। सबसे पहले आपको भगवान शिव के ऊपर जल से अभिषेक करना है, जो साथ में चंदन ले गए हैं वो चंदन से भगवान के ऊपर पूरा लेप करना है, और उसी चंदन से आपको बेलपत्र में आपको क्या लिखना है, श्री राम लिखना है, श्री राम। एक बेलपत्र में तीन बार आपको श्री राम लिखना है, तीन उसमें जो पत्ते रहते हो तीनों पत्तों पे आपको श्री राम लिखना है और भगवान शिव के ऊपर आपको चढ़ा देने हैं, और वहां ही बैठ के आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की आपको दो माला जरूर करनी है, और ये माला आप करें वो रुद्राक्ष की माला से आपको करनी है। साथ ही ये शिवरात्रि पर करेंगे, आरंभ करेंगे और 40 दिन तक, मुझे लगा 40 दिन तक लगातार करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कैसे कोई युवक है उसको अच्छी पत्नी की इच्छा है, कोई युवती है जिसको अच्छे पति की इच्छा है, आप जिस संकल्प से करेंगे शीघ्रता से आपको अच्छा वर की प्राप्ति होगी, शीघ्रता से अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको बड़े भाव से करना है। अगर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के ऊपर कोई शिव जल चढ़ाएंगे तो भगवान शिव इतने भोले हैं कि उसकी इच्छा भगवान जरूर पूर्ण करते हैं, और ये दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। ये शिवरात्रि का दिन शास्त्रों में बहुत ही उत्तम माना गया है। उसी दिन आप पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप करेंगे, आपकी शादी की जो भी इच्छा है जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों ऐसे ही उपाय आपके सामने हम रखते रहेंगे। साथी दोस्तों, अपना 2023 आपका कैसा रहेगा, 2023 में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, 2023 में आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका 2023 बहुत ही उत्तम हो सके, ये सारी बातें दोस्तों राशि के अनुसार मैंने आपके सामने रख दी है। प्रायलिस्ट में जाके अपनी राशि के अनुसार आप देखेंगे आने वाला साल आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सावधानी बरतेंगे तो आप में जो नुकसान होने वाला है उनसे आप बच पाएंगे। उपाय करेंगे आपके ग्रहों के श्रेष्ठता बढ़ेगी और उसका शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों फिर से YouTube के माध्यम से हमारी मुलाकात होगी, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।